हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मैं आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री की क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से नेशनलिज्म की शुरुआत होती है पूरे यूरोप में, उस पर हम बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने यहाँ पर आके एक वर्ड देखा, ऊपर लिखा है उड़ान। तो मुझे इस वर्ड को देखने के बाद शकील आज़मी का एक शेर याद आ गया। वो कहता है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं, हम भी उड़ान भरते हैं। और आज से हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर 1 को चैप्टर 1 का फर्स्ट सेक्शन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर को, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको पूरे चैप्टर का जिस्ट दे दूंगा कि क्या क्या चीज कैसे पढ़नी है और इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ताकि अगर आपके पूरे माइंड में एक चार्ट तैयार हो जाएगा ना कि हमको क्या क्या चीज पढ़नी है, तो आपके लिए चीजें याद करना आसान हो जाएंगी, ठीक है। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ कि वो कहते हैं कि सर चीजें याद नहीं होती है, तो अगर आप फ्लो चार्ट से पढ़ोगे ना, फ्लो चार्ट, तो आपकी चीजें ज्यादा आसान सिंपल हो जाएंगी। मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट पढ़ा के, बना बना के पूरा आपको हिस्ट्री एकदम ऑब्जेक्टिव कर दूंगा। जितनी आपको हिस्ट्री सब्जेक्टिव लगती है, मैं उतना ही उसको ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा। सिर्फ पॉइंट्स आपको याद कर रखने हैं और वही पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, एग्जाम में लिख के आइए, पूरे मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं। अब इस चैप्टर की पहले आउटलाइन ले लीजिए, पूरा जिस्ट ले लीजिए। अब इस चैप्टर को मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, 6 हेडिंग्स में इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, पहला पार्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, ठीक है। अब याद रखिए, याद करिए, क्लास 9th की एनसीईआरटी जो थी हिस्ट्री की, उसका पहला चैप्टर भी आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से डील कर रहा था, याद आ रहा है। क्लास 10th की एनसीईआरटी का भी पहला चैप्टर जो है उसका फर्स्ट सेक्शन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था। अगर आप अपनी क्लास 10th की एनसीईआरटी खोलेंगे ना, तो यहां पर आपको डिटेलिंग नहीं दी गई है, लेकिन आपको बताया गया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था। तो अगर आपने क्लास 9th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी बच्चों, ढंग से आपको याद नहीं होगा वो चैप्टर, तो आपको ये चैप्टर समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को इस चैप्टर में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको इन ब्रीफ वो कहानी बताऊंगा जो पीछे चल रही थी, यानी जो जानना जरूरी है। अगर आप वो कहानी नहीं जानेंगे तो आगे कैसे चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम देखिए क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और यूरोप में नेशनलिज्म कहां से शुरू हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अगर आपको उसका स्टार्टिंग ही पॉइंट नहीं पता कि कैसे शुरू हुआ, तो आप आगे पूरे यूरोप में कैसे समझोगे नेशनलिज्म क्या, कैसे आया, ठीक है। तो मैं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से कहानी समझ में आए, आपको ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बताने वाला हूं अच्छे से, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात क्या होगा कि जब हम समझ लेंगे कि फ्रांस में किस तरीके से रिवॉल्यूशन हुआ और एक नेशन की बात सामने आती है, तो उसके बाद वो भावना, वो नेशनलिज्म की भावना फ्रांस से बाहर कैसे निकली और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में कैसे पहुंची। तो यहां पर हम सेकंड वाले हेडिंग की बात करेंगे, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म जो है वो आता है, ये होगा हमारा हेडिंग नंबर 2। अब हेडिंग नंबर 3 हमारी क्या होगी कि भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम कुछ लोग थे, अगर आपको याद आ रहा होगा, कुछ लोग थे जो चाहते थे कि मोनार्की हटाई ना जाए, वैसे ही का वैसे ही बना रहे सिनारियो, लेकिन कुछ लोग थे जो चेंजेस चाहते थे, जो मोनार्की हम नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मोनार्की हटे, रिपब्लिक आए, डेमोक्रेसी आए, लोगों को बोलने का अधिकार मिले। तो दो कैटेगरी के लोग थे, ठीक है। अब जब ये दो कैटेगरी के लोग आमने सामने होंगे, तो डेफिनेट सी बात है इनके बीच में क्लैश होगा, और जब क्लैश होगा तो क्या होगा, रिवॉल्यूशंस होंगे कि नहीं होंगे। तो यहां पर हमारा थर्ड जो हेडिंग मिलेगा वो आपको मिलेगा रिवॉल्यूशंस, और आपको पूरे यूरोप में राइट फ्रॉम 1830 से लेकर
पूरा 1848 तक आपको रिवॉल्यूशंस ही रिवॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर फोर में जब इतना रिवॉल्यूशन होगा तो डेफिनेटली इसका आउटकम भी तो निकलना चाहिए, और निकलेगा। क्या आउटकम आया? जर्मनी और इटली दो देश बन जाते हैं, इटली यूनिफाई हो जाता है, जर्मनी इटली ETALY देख लीजिएगा स्पेलिंग इटली, तो ये दोनों देश जो है सामने आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा विजुअलाइजिंग अ नेशन। किस तरीके से आप एक नेशन को विजुअलाइज करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, विजुअलाइजिंग अ नेशन, और हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म क्या होता है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इंपीरियलिज्म क्या होता है, इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा जिस्ट है इस पूरे चैप्टर का, जो हम चैप्टर वन पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का, हिस्ट्री का। राइट, तो मैं अब आपको यहां से शुरुआत करता हूं। ये हमारे क्लास टेंथ की एनसीईआरटी का ऑलरेडी हिस्सा है, ये मैं समझेगा कि हिस्सा नहीं है, मैं आउट ऑफ द थिंग्स कुछ भी नहीं बताऊंगा, उतना ही बताऊंगा जितना आपको जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कोई चीज कनेक्टेड है जो आपको जानना जरूरी है, जैसा मैंने बताया कि आपको क्लास नाइन्थ वाला हिस्ट्री का एनसीईआरटी का चैप्टर वन याद होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि आप एक बार खोल के देखिएगा एनसीईआरटी क्लास टेंथ की, वहां तो एक लाइन में कह के निकल जाएगा कि फ्रांस वॉज अ फुल फ्लेज्ड स्टेट इन 1789। अब आपको नहीं पता कैसे स्टेट, वो कहानी मिक्सिंग है ना, कहानी पिक्चर देखने जाते हो तो ऐसा होता है कि आप पिक्चर आप एक घंटा छोड़ दो फिर देखने पहुंचो, नहीं ना, आप प्रिफर करते हो कि स्टार्टिंग से पिक्चर देखने को मिले। वैसे ही यहां पर है, समझ लीजिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाने वाला हूं। मैं जो आज आपको कहानी सुनाऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होगी, बहुत ही शानदार कहानी होगी, बस आपको सुनना है बैठ के, और मेरे डायग्राम्स को आप फॉलो करते रहिए। देखिए पूरा डायग्राम मैंने आपको एक जस्ट बता दिया कि आपका चैप्टर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये मैप दिखा दूं कि जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उस वक्त क्या हालात थे यूरोप के, ये आपको दिख रहा है, आई एम श्योर आप ये चीज देख पा रहे होंगे। ये है हमारा कंट्री फ्रांस, यहीं से सारा बवाल शुरू हुआ, यहीं से तो सारी नौटंकी शुरू हो गई, हिस्ट्री तो यहीं से शुरू हो गई बनना। अब जब यहाँ फ्रांस में नेशनलिज्म की बात शुरू हुई, भाई फ्रांस में पहले मोनार्की थी, लेकिन आपको याद आ रहा होगा फ्रांस से मोनार्की खत्म होती है और फिर क्या आती है, रिपब्लिक हो जाता है फ्रांस, नेशनलिज्म की बात आने लगती है। तो ये जो भावना है नेशनलिज्म की, ये दूसरे देशों में कैसे पहुंची, जैसे कि देखिए प्रशिया, जैसे कि देखिए ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, और फिर हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में, किस तरीके से जर्मनी और इटली बन जाते हैं। ये देखिए, ये है सारे इटली, ये है इटली का, आप देख रहे हैं ना ये एरिया, कितने छोटे छोटे यहाँ स्टेट्स बने हुए हैं, ये सब मिल जाएंगे, यूनिफाई हो जाएंगे, इटली बन जाएगा। ये जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है, ये वाला एरिया, ये सब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जर्मनी में, ये सब जर्मनी बन जाएगा। तो ये सब चीजें हमको यहां देखनी है, इसलिए मैंने आपको एक बार मैप दिखा दिया ताकि आपके दिमाग में रहे कि हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब मैं आपको पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहला सेक्शन ले रहा हूं, चैप्टर वन का सेक्शन नंबर वन, जब मैं पहला चैप्टर सेक्शन ले रहा हूं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो दोस्तों मैं आपको ये कहानी जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, ये कहानी मैं आपको दो पार्ट में सुनाने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, और ये दो पार्ट में होने वाली है। ठीक है, ये भी फ्लो चार्ट, सिर्फ फ्लो चार्ट, तीर चल रहे हैं, देखिए तीर एरोज। पहला मैं आपको बताऊंगा प्री 14 जुलाई 1789, हम पहले देखेंगे कि ये 17 जुलाई 1789 में क्या हुआ, इससे पहले क्या हो रहा था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर मैं आपको वो सारे इंसिडेंट्स बताऊंगा, मैं आपको वो सारे इवेंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से ये डेट इंपॉर्टेंट है। सोचने वाली बात है 14 जुलाई क्यों भाई, तो हम ये जानेंगे डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस थे फ्रांस में, क्या ऐसी बदलाव हुए जो 14 जुलाई के बाद हुए। तो इसको हम पढ़ेंगे पोस्ट, यानी 14 जुलाई 1789 के बाद क्या हुआ। तो जब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा 14 जुलाई 1789 के बाद क्या हुआ, तो इसमें मैं आपको चार चीजें डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों बच्चों ऐसे ही लिख लो आप लोग, सिर्फ डायग्राम, चार चीजें क्या होंगी। पहली, हम आपको बताऊंगा कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है,
फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा 1791 में, ठीक है। अब आप डेट देखिएगा, डेट देखिए जरा, 1789 तक बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, और विद इन जैसे ही 1789 ये 14 जुलाई वाली इवेंट हुआ, ये दुर्घटनाएं घटी, यहां पर इंसिडेंट्स हुए, इमीडिएटली दो सालों के अंदर फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन सामने आ गया 1789 में। क्या बड़ी बात है भैया, ऐसा कौन सा इंसिडेंट हो गया कि दो साल के अंदर आपको फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल गया, है कि नहीं। पहला चीज डिस्कस करेंगे। दूसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि फ्रांस में किस तरीके से जो पहले मोनार्की हुआ करती थी, मोनार्की, अब वो मोनार्की खत्म होके किस तरीके से यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, ठीक है। ये भी वर्ड आपने जो है एनसीईआरटी में सुना होगा क्लास 9th की, नहीं सुना होगा, नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड चीज जो मैं डिस्कस करूंगा वो है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सीएम, तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फ्रांस में रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक मतलब फ्रांस में किस तरीके से इलेक्शन होना स्टार्ट हो गए, इस चीज को डिस्कस करेंगे। और चौथी चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर वो होगा पोजीशन ऑफ वुमेन। हालांकि आपको यहां पर इसके बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है, बस फिर भी मैंने यहां पर आपको चैप्टर का जस्ट की तरह लिख दिया। और इस चैप्टर के आखिरी में मैं इस आपको एक चीज बताऊंगा, और वो आदमी है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, आई होप आपने इसका नाम भी सुना होगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसका क्या नेपोलियन कोड था, सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था, कौन सी लड़ाइयां उसने लड़ी थी, ये सब हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे। लेकिन आज के लिए ये है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो फर्स्ट पार्ट है, उसका ये पूरा जिस्ट आपके सामने, क्लियर हो गया। तो चलिए मैं आपको यहां से प्री 14 जुलाई 1789 को यहां पर क्या हुआ था ये हम देखते हैं। अब देखिए कहानी सुननी है आपको बस, ठीक है, कहानी सुनिए बस क्या हुआ था। तो दिन था 14 जुलाई का, 14 जुलाई 1789 का दिन था। इस दिन आप देखेंगे तो 7000 लोग, 7000 पीपल, दे वेर गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द पैलेस ऑफ द किंग। वो 7000 लोग किंग के पैलेस के बाहर इकट्ठा हो गए थे। ये 7000 लोग किंग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, किंग की बात को सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन किंग जो है वो भी इनकी बात नहीं सुन रहा था। तो लोग गुस्से में, इन 7000 लोगों में कुछ लोग गए, और ये लोग एक जेल कम एक फोर्ट कम प्रिजन था जिसका नाम था बेसाइल, BASTILLE, बेसाइल। ये एक फोर्ट कम प्रिजन था, आप देख सकते हैं फोटो में किस तरह से किला दिख रहा है, और यहां लोग हैं, ये लोग यही लोग हैं जो 7000 लोग में से कुछ लोग गए थे, और गुस्से में इस जेल को ये लोग तोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, तोड़ा फोड़ी कर देते हैं। इमेजिन करिए सिचुएशन आप फ्रांस की, 7000 लोग हैं और किंग के पैलेस के बाहर खड़े हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किंग बात ही नहीं मान रहा है, उनमें से कुछ लोग जा रहे हैं और बेसाइल जेल को तोड़ दे रहे हैं। इमेजिन द इंसिडेंट, ठीक है। तो जब जेल को तोड़ दिया तो जो प्रिजनर्स थे उसके अंदर वो छूट जाते हैं, वो निकल जाते हैं, और यही लोग अंदर जाके हथियार भी उठा लेते हैं सरकार के खिलाफ, किंग के खिलाफ। तो 14 जुलाई को 1789 को ये इंसिडेंट क्यों हुआ, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले जिस किंग की मैं यह बात कर रहा हूं उसका नाम था लुइस 16। अब ये 1614 क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए नाम तो एक्चुअली जो राजा पहले था उसका नाम था लुइस, लेकिन जो उसकी 16वीं जनरेशन थी, 16th जो उसका जनरेशन था, उसकी वजह से हम उसको बोलते हैं राजा को लुइस 16। ऐसे नामकरण करने का प्रथा थी वो चलती आ रही थी, ठीक है। लुइस 16 ये राजा था, ये फ्रांस का राजा था, और इसकी शादी होती है मारिया से। मारिया जो है ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, याद रखिएगा इस चीज को। मैं कंट्री क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि अभी आप बाद में देखेंगे कि फ्रांस, ये फ्रांस का था, फ्रांस ही बाद में जाके ऑस्ट्रिया पे हमला कर देता है। तो भैया जहां शादी हुई थी ससुराल में हमला हो गया, है कि नहीं कॉमेडी वाली बात। तो अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा उसका, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये लुइस जो 16 था ये बूरबॉन फैमिली को बिलोंग करता था, बूरबॉन, बिस्किट नहीं है भाई साहब,
बुरवान, बुरवान बच्चों, बुरवान खाने वाला नहीं, ये फैमिली दूसरी है। क्लियर हो गया? तो हम यहां पर अब ये देख रहे थे कि ये 14 जुलाई 1789 को इतनी भयानक तस्वीर फ्रांस की कैसे हो गई, उसको जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, और वो है ईयर 1774। 1774 आते आते जो फ्रांस था, फ्रांस के बच्चों जो फंड्स थे, जो उसके पैसे थे फ्रांस के, वो खत्म होने लगे थे। फ्रांस बैंकरप्ट होने लग गया था, फ्रांस कंगाल होने वाला था। ठीक है, अब ये फ्रांस कंगाल क्यों होने वाला था, इसके रीजन क्या थे? पांच सिंपल रीजन, देखिए ऐसे याद रखना आपको। नंबर ए, पहला रीजन, फ्रांस को बच्चों लड़ाई कर लड़ना बहुत पसंद थी, वॉर। और जब आप लड़ाइयां लड़ोगे बड़े बड़े देशों के खिलाफ तो क्या होगा, पैसे खर्च होंगे ही होंगे, तो ये एक बड़ा रीजन था फ्रांस के कंगाल होने का। ठीक है, नंबर टू देखिए, नंबर टू रीजन क्या था, फ्रांस का एक बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ा एक महल था, और उसको बोलते हैं हम पैलेस ऑफ वर्साइल। वर्साइल का महल जो था, पैलेस ऑफ वर्साइल, समझिएगा आप इस चीज को। इस महल को मेंटेन करने के लिए बहुत पैसे लगते थे, और इस वजह से भी एक रीजन बन गया था फ्रांस के बैंक्रप्सी का, फ्रांस के कंगाल होने का। क्लियर? नंबर थ्री देखिए, अमेरिका की कुछ कॉलोनीज थी बच्चों, अमेरिका की कुछ कॉलोनीज थी, जो कॉलोनीज जो थी वो ब्रिटिश के कब्जे में थी, ब्रिटिश के कब्जे में थी। ठीक है, तो फ्रांस ने अमेरिका की मदद करी थी इन कॉलोनीज को ब्रिटिश के कब्जे से निकलवाने के लिए। और जब आप ऐसे काम करोगे, ब्रिटिश जैसे बड़े साम्राज्य से लड़ने निकल आओगे, तो आप लड़ाई लड़ोगे, और लड़ाई लड़ोगे तो क्या होगा, पैसे खर्च होंगे, और ये एक रीजन बन गया था फ्रांस के बैंक्रप्सी का। डी, अब यहां सरकार ने कुछ लोन लिए थे लोगों से, और अब वो लोन वापस करने का समय आ गया था, वो भी इंटरेस्ट के साथ, और इस वजह से सरकार जो फ्रांस के खर्चे थे वो बढ़ गए थे, और उस खर्चे बढ़ने की वजह से जो फ्रांस की जो इकोनॉमी थी वो नीचे गिरने लगी थी, यानी फ्रांस कंगाल होने लगा था। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया कि जो लोन लिए थे उन लोन को वापस करना, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, पांचवा रीजन क्या बना, अब देखिए पांचवा रीजन मिसलेनियस लिख रहा हूं मैं, क्योंकि अब सरकार अगर चलती है तो उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि उसको अपने जो कर्मचारी हैं, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उसको उनको सैलरी देनी पड़ती है। ठीक है, बिजली का बिल जमा करना है, कुछ कुछ खर्चे करने हैं, रोडें बनानी है, तो ये सब काम भी होता है। इन वजह से ये पांच रीजन है जिसकी वजह से फ्रांस में क्या हुआ था, कंगाली होने लगी थी, फ्रांस बैंकक्रप्ट होने लगा था। अब आप सोचिए, अगर पैसे कम होने लगते हैं तो गवर्नमेंट के पास सबसे आसान तरीका क्या होता है पैसे कमाने का, सिंपल तरीका होता है कि भैया टैक्सेस इंपोज करना शुरू कर दो, टैक्सेस लगाना शुरू कर दो। भैया आप देखते ही है ना, आपकी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती क्यों लेती है, इनकम पे टैक्स लेती है भैया, आप जो कमा रहे हो इनकम उसी पर टैक्स लगने लगता है। जाने कितने और टैक्स होते हैं, हाउस टैक्स होता है, रोड टैक्स होता है, टोल टैक्स होता है, सरकार कितने टैक्सेस लेती है। एक्चुअली सरकार की जो मेन इनकम का जो तरीका है वो टैक्सेस से ही होता है। तो यहां पर भी क्या हुआ कि जब कंगाली होने लगी, फ्रांस के पास पैसे कम होने लगे, तो लुई XVI ने क्या किया, उसने टैक्स इंपोज करना शुरू कर दिया। ठीक है, दो तरीके के टैक्स लगते थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आपको जरूरत नहीं जानने की। ठीक है, टाइथ्स होता था और टाइल्स होता था, लेकिन हमको जरूरत नहीं जाने की। तो किंग जो है वो टैक्स इंपोज करना शुरू कर देता था। अब यहां टैक्स इंपोज कैसे होता था उसको बताने के लिए पहले मैं आपको फ्रांस की सोसाइटी के बारे में समझाना चाहता हूं। देखिए सिंपल सी भाषा में जल्दी जल्दी, यहां पर आपको तीन कैटेगरी के लोग दिख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रांस की सोसाइटी एक्चुअली तीन पार्ट्स में डिवाइड थी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब इनके बारे में देखिए जरा, जो इस वाली कैटेगरी के लोग हैं, इसमें कौन होता था, इसमें होते थे, इसको बोलते थे चर्च। फोटो में आपको दिख रहा है ना, ये फादर टाइप पोप टाइप है ये। ठीक है, तो इनको हम बोलते थे ये चर्च के लोग हैं, और जो लोग चर्च में काम करते थे उनको हम क्या बोलते थे, उनको हम बोलते थे क्लर्जी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, और ये जो लोग आप देख रहे हैं ये कैसा है, ये किंग की तरह दिख रहा है हमको। तो यहां होता था कौन, किंग होते थे, उसके जो मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है वो होते थे, और जो किंग और मिनिस्टर्स होते थे इनको हम क्या बोलते थे, इनको हम बोलते थे नोबिलिटीज। याद रखिएगा ये वर्ड। और जो ये तीसरे हैं आपको इतने झुंड में दिख रहे हैं, ये कौन है, ये है कॉमन पीपल, आम आदमी, कॉमन मैन। ठीक है, याद रहेगी तीनों चीजें। तो अब मैं आपको जब भी बोलूंगा तो मैं इन लोगों को बोलूंगा कि ये हैं लोग ऑफ फर्स्ट एस्टेट, इनको मैं बोलूंगा पीपल ऑफ दी
फर्स्ट स्टेट, याद रखिएगा, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा पीपल ऑफ द सेकेंड स्टेट, सेकेंड स्टेट, और इनको मैं बोलूंगा पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट, याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है, याद रहेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि अब मैं आपको बता देता हूं कि ये तो सोसाइटी हो गई फ्रांस में, सोसाइटी जो है इस तरीके से बटी हुई थी। लेकिन जब टैक्स को इम्पोज करने की बात आती थी तो टैक्स इम्पोज एक्चुअली कैसे होता था वो देखिए। अब अभी मैं इस पर आऊंगा आपके लिए, लेकिन मैं बता दूं टैक्स इम्पोज कैसे होता था। देखिए, टैक्स को इम्पोज करना अगर होता था तो उसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाती थी जिसको हम लोग बोलते थे जनरल, जनरल एस्टेट, एस्टेट देख लीजिए, ई एस मतलब जमीन वाला, जनरल एस्टेट मीटिंग। अब इस मीटिंग को बुलाते थे क्यों, टैक्सेस को इम्पोज करने के लिए। और ये मीटिंग को बुलाने का जो पावर थी वो सिर्फ मोनार्क के पास थी। तो अभी जब कंगाली बढ़ने लगी थी फ्रांस के अंदर तो मोनार्क ने इस मीटिंग को बुला लिया कि हमको टैक्स इम्पोज करना है, ठीक है। और जब इसने ये मीटिंग बुलाई तो उसमें कौन कौन आता है, यही तीन लोग आते हैं जिनको अभी मैंने आपको बताया था पिछली वाली स्लाइड में। देखिए कौन कौन होगा, फर्स्ट एस्टेट के लोग होंगे, फर्स्ट एस्टेट, ठीक है। कौन था इसमें, चर्च वाले लोग थे, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोल रहे थे, क्लर्जी बोल रहे थे, ठीक है। सेकेंड स्टेट की बात करूं मैं आपसे, यहां को इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड स्टेट, ठीक है। अब सेकेंड स्टेट में कौन लोग था, किंग थे, ठीक है, नहीं थे, मिनिस्टर्स थे। और इनको हम क्या, जो यहां काम करते हैं उनको क्या बोल रहे थे, नोबिलिटीज बोल रहे थे, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। और थर्ड पोर्शन जो है यहां हम बोलेंगे इनको पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट के लोग थे ये। और थर्ड एस्टेट के लोग कौन थे, ये कॉमन मैन। अब बच्चों समझिएगा थोड़ा सा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर समझ लिया बहुत आसान सी चीज है, कुछ ज्यादा होता नहीं था। तो यहां पर क्या होता था कि जब भी टैक्स बढ़ाने होते थे सबको यहां पर बुलाते थे, ये तीनों लोग यहां पर आते थे। एक्चुअली तीन क्या होते थे, बहुत सारे होते थे, ठीक है। ये लोग होते थे 300, ये लोग होते थे 300, और ये लोग होते थे 600, ठीक है। लेकिन जब वोटिंग करने की बात आती थी कि टैक्सेस को इम्पोज करना है कि नहीं करना है, बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, तो होता क्या था कि इन लोगों को, इन सबको यहां पर एक वोट दिया जाता था। ये लोग एक वोट दे सकते थे खाली, सब 300 मिला के, और ये 300 सारे खाली सारे मिला के एक वोट दे सकते थे, ठीक है। और ये 600 वाले जितने थे ये सब भी मिला के खाली एक ही वोट दे सकते थे, समझिएगा इस चीज को। तो जब यहां पर टैक्स इंपोज करने की बात आती थी तो होता क्या था कि ये दोनों लोग जो थे, किंग और चर्च, ये दोनों मिली भगत कर लेते थे, मिल जाते थे, और एक साथ ये लोग वोट कर देते थे। इन दोनों के वोट्स कितने होते थे, दो हो जाते थे, इनके विचारों के वोट एक ही रह जाते थे, और चूंकि ये जीत जाते थे इस वजह से टैक्स इंपोज हो जाता था। ये बहुत ही आसान था। तो जो फॉर्मूला फॉलो किया जा रहा था अभी तक वो फॉलो करा जाता था, वन एस्टेट, वन एस्टेट वन वोट के बराबर, एक एस्टेट को एक वोट दिया जाए, ये अभी तक फॉर्मूला होता था, है कि नहीं, हर एस्टेट को एक वोट दिया जा रहा था। लेकिन अब ये कॉमन मैन जो था ये काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था, काफी ज्यादा परेशान था कि ये तो बहुत गलत पॉलिसी है, ऐसे तो हमेशा टैक्स बढ़ता जाएगा हमारे ऊपर। इन लोगों ने इस मीटिंग को अब यहां पर बायकॉट कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे मीटिंग को। क्यों, क्योंकि इन्होंने यहां डिमांड रखी थी, और डिमांड क्या थी इनकी, इनकी डिमांड थी कि भैया वन एस्टेट वन वोट की जगह अब आप लेके आइए वन मेंबर वन वोट, ये चीज लेके आ जाइए। अब ये चीज यहां पर बोला कि हर मेंबर को एक वोट दीजिए आप, मतलब यहां 300 लोग हैं तो 300 वोट इनको मिले, 300 इनको मिले, और 600 वोट्स इनको मिले। तो अब यहां पर पार्शियलिटी नहीं होगी, सबको इक्वल यहां पर लेवल मिल जाएगा, ये चीज की डिमांड यहां पर कॉमन मैन ने करी। लेकिन किंग जो था वो ये बात मानने को तैयार नहीं, किंग ने कहा भैया हम नहीं मानते, क्या ये बकवास है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया, कॉमन मैन ने ये मीटिंग छोड़ दी। और ये मीटिंग छोड़ने के बाद कहां गए, ये लोग पहुंच गए, इन लोगों ने क्या किया, जैसे मैंने बताया आपको, मैंने आपको कि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बायकॉट किया उस मीटिंग को। और बायकॉट करने के बाद ये लोग कहां गए, ये लोग पहुंचे टेनिस कोर्ट, समझिएगा यहां पर आप, ये लोग पहुंच गए टेनिस कोर्ट, ये सारे लोग वहां पर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए। और अब ये वहां पर एक ओथ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है ये, इंसिडेंट हुआ था 20th जून
1789 को। यही चीज जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, अब आप देखिए ये लिखा हुआ है, सॉरी, ओहो ये 20 जून 1789 को क्या घटना हुई थी। तो यही घटना जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये घटना हुई थी कि इन लोगों ने मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया, ये लोग गए टेनिस कोर्ट, वहां ये पहुंचे और उन्होंने 20 जून 1789 को एक ओथ लिया और इस ओथ को हम बोलते हैं, बहुत ही फेमस इंसिडेंट है बच्चों, टेनिस कोर्ट ओथ। ठीक है, याद रहेगा, टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से फेमस है। अब इन्होंने ओथ क्या लिया, इन्होंने ओथ लिया क्या कि भैया हम लोग मोनार्क को अब नहीं मानेंगे, हम लोग मोनार्क को नहीं मानेंगे, और इन्होंने कहा कि हम लोग ही क्या हैं, हम लोग, इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, इन्होंने कहा कि हम नेशनल असेंबली हैं। मतलब क्या होगा, इन्होंने कहा कि मतलब भैया हम ही होंगे जो अब लॉ बनाएंगे, या हम ही हैं जो अब फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन आपको लगता है क्या कि जो कॉमन मैन है वो सब इतना जान पाएगा, इतना कर पाएगा? इम्पॉसिबल सी बात है। कोई ना कोई आदमी ज़रूर होगा जो पीछे से दिमाग लगा रहा होगा। जैसे कि देखिए अपने इंडिया में जब आज़ादी की बात आई थी, फ्रीडम की, तो कॉमन आदमी को पता ही नहीं था करना क्या है, लड़ना कैसे है ब्रिटिशर्स से। एक आदमी सामने आते हैं, हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, और वो हम सबको एक रास्ता दिखाते हैं। ऐसे ही हमारे अभी कुछ समय पहले एक इंडिया में मूवमेंट चला था, मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे वाला, अगर आप लोग को याद हो वहां पर हुआ क्या था, तो वहां पर भी यही चीज हुआ। आप लोग तो काफी छोटे रहे होंगे, लेकिन यही हुआ था। पता ही नहीं है कैसे करना है, अन्ना हजारे सामने आए, उन्होंने दिखाया अनशन का तरीका। ठीक है, वैसे ही यहां पर यूरोप में भी ये सब चीजें जो चल रही थी, इसके पीछे दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे। एक का नाम था, मैं यहां पर बता दे रहा हूं, एक का नाम था मिराबुए, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा नाम था एबेसियस। अब देखिए इन दोनों का रोल, ये आदमी जो था ना मिराबुए, ये सेकेंड स्टेट को बिलोंग कर रहा था, याद आ रहा है, सेकेंड स्टेट मतलब जो लोग किंग और मिनिस्टर्स को बिलोंग करते हैं, ये इसको बिलोंग कर रहा था। लेकिन फिर भी मिराबुए जो था वो कॉमन मैन के फायदे की बात कर रहा था, उसको सरकार का वो तरीका, वो पॉलिसीज जो एक्सप्लॉइटेटिव थी, उसको समझ में नहीं आ रही थी, वो सरकार के खिलाफ था और कॉमन मैन के साथ था। अबेसियस, इसकी स्पीचेस बहुत तगड़ी होती थी, स्पीचेस, ठीक है। तो इन दोनों का ब्रेन चाइल्ड था पीछे, लोगों कॉमन मैन के पीछे, और इसी वजह से इन लोगों ने बहुत उकसाया, और यही फिर हुआ। इन लोगों के इतना उकसाने के बाद क्या हुआ है, फाइनली 14 जुलाई 1789 को 7000 लोग जो होते हैं वो किंग के पैलेस के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और जब किंग उनकी बात नहीं मानता है तो फिर वो जाते हैं और इस बैसाइल जेल को तोड़ देते हैं। ये है कहानी, ये है इंसिडेंट जो 14 जुलाई 1789 को हुआ, मतलब जिसको हम इसकी बात कर रहे थे, ये वाला हिस्सा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया ऐसे क्या चेंजेस आए 14 जुलाई 1789 के बाद। तो देखिए जरा कहानी, आगे सुनिए आगे क्या होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि जब इतना सब कहानी हो गया तो बवाल बहुत ज्यादा फ्रांस में हो गया था, तोड़ा फोड़ी बहुत ज्यादा हो गई थी, क्लियर। तो यहां पर एक अफवाह भी फैल गई थी, और अफवाह यह फैली थी कि जो सेकेंड एस्टेट के लोग हैं, समझिएगा ये अब सिंपली रूमर है, एक रूमर फैल गई थी, रूमर समझ रहे हैं आप, अफवाह। तो रूमर क्या फैली, रूमर यह फैल गई थी कि जो सेकेंड एस्टेट के लोग हैं ये जा रहे हैं और ये फार्मर्स जो किसान हैं उनको ये लोग क्या करेंगे, मार देंगे, किल, दे विल किल देम। जब ये रूमर किसानों को पता चली या जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको पता चली, तो ये लोग पहले से ही इन एंटीसिपेशन जाते हैं और सेकेंड स्टेट के वालों के घरों को लूट लेते हैं। ये लोग लूटपाट शुरू कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इनको एंटिसिपेशन था कि शायद सेकेंड स्टेट वाले लोग आके हमको मारने लग जाएंगे, पहले से लूटपाट करने लग गए। ये लूटपाट बहुत हो बढ़ने लग गई,
लूटपाट बढ़ी और साथ में क्या हुआ कि सिनारियो इतना खराब हो गया कि इन सब का इफेक्ट जब होता है, जब जब देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है ना, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत आने लगती हैं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जो फूड का सप्लाई अप्लाई था, फूड सप्लाई यहां पर क्या होने लगा, कम होने लगा। ठीक है, क्योंकि लोग आपस में लड़ने लग गए, किंग जो है सेकंड स्टेट पे कौन होगा, किंग होगा, वो लड़ने लग गए यहां पर फार्मर्स से, तो वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा है कंट्री का इकोनॉमिक्स कहां जा रहा है, इकोनॉमी कहां जा रहा है। ठीक है, वो ध्यान नहीं दे रहा है इस चीजों को, तो फूड का सप्लाई कम हो गया। फूड का सप्लाई कम हुआ तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, चीजें महंगी होने लग गई। इन्फ्लेशन समझते हैं ना आप लोग, जब प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं, चीजें महंगी होने लग गई। जब चीजें महंगी होने लगेंगी तो लोगों के पास पैसा नहीं था, ऊपर से सरकार टैक्सेस और लगा रही थी, तो क्या होगा ऐसे सिनेरियो में, यहां पर क्या हुआ कि भैया टैक्सेस ही बढ़ रहे थे, लेकिन जो प्रॉब्लम थी कि लोगों की इनकम तो वैसी की वैसी थी एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई बढ़ावा नहीं हो रहा था, और सरकार कह रही थी ऊपर से कि आप टैक्स भी दीजिए। और इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक प्रॉब्लम बड़ी और आ गई, और वो ये कि उसी साल ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, ड्रॉट पड़ गया, साथ में फेमिन पड़ गया, ये सब चीज़ें उस साल हो गई। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से इस पूरे सिनारियों को हम एक टर्म देते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। मतलब अब इकोनॉमी कैसी हो गई थी, सब्सिस्टेंस मतलब आप खाली जिंदा रह लीजिए, खा पी के वही काफी है। क्यों प्रॉब्लम थी भैया, ना तो खाने के लिए ना अनाज था, ना ही पैसा, ना ही सामान खरीदने के लिए पैसा था। प्रॉब्लम देख रहे हैं आप, खाने के लिए अनाज नहीं है, खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या होगा, लोग बवाल तो करेंगे। और जब इतना बवाल हुआ तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और लोगों ने बहुत बवाल किया, और फाइनली फिर इस वक्त क्या हुआ कि मोनार्क को सरेंडर करना पड़ गया। मोनार्क ने कहा ठीक है फाइन, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। और जब मोनार्क ने यहाँ पर सरेंडर किया, समझ रहे हैं, इसका आउटकम देखिए, आउटकम क्या आया, आउटकम आया कि मोनार्क ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। क्यों, क्योंकि उससे ये सब सिचुएशन जो है वो हैंडल ही नहीं हुई। जब मोनार्क सरेंडर कर देता है तो इस मोनार्क के सरेंडर करने से चार चीजें सामने आती हैं। ठीक है, इसके नीचे मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, देखिए, तो मोनार्क सरेंडर किया, चार चीजें सामने क्या आई वो देख लेते हैं। देखिए, याद करना है सिर्फ आपको चार पॉइंट्स में। पहली चीज सामने क्या आई है, नंबर वन, जो प्रिविलेजेस दिए गए थे मोनार्क को, प्रिविलेजेस जो फायदे मिलते थे मोनार्क को, वो खत्म कर दिए गए, याद रहेगा। नंबर टू, सबको राइट्स दिए गए, RITS शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सबको, अब जितने लोग थे सबको इक्वल राइट्स दिए गए, मैं यहां पर इक्वल राइट्स लिख दे रहा हूं, एक्चुअली इक्वल राइट्स। तो अभी तक वो राइट्स खाली मोनार्क को होते थे, लेकिन जो कि मोनार्क ने सरेंडर कर दिया था, तो अब यहां पर सबको इक्वल राइट दिए जाने लगे। ठीक है, नंबर थ्री, सी, जो टैक्सेस इंपोज करते थे वो टैक्सेस को यहां पर क्या किया गया, एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, और नंबर चार, जो लैंड थी उसको क्या किया गया, रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। लैंड को क्या कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं, एक्चुअली हम कह सकते हैं कि उसको लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों को जमीन बांटी जाने लगी। ये सारे चेंजेस थे जब मोनार्क ने सरेंडर कर दिया। देखिए, मैंने आपको सिर्फ चार पॉइंट दे दिए, अभी आप किताब में पढ़ने बैठ जाएंगे आपको वहां पर एक पैराग्राफ लिखा मिलेगा। अब बच्चे कहते हैं सर कैसे याद करें, ऐसे याद करिए, सिंपल है बस, फ्लो चार्ट में पॉइंट बना दिए मैंने आपके लिए, यही सारे चार पॉइंट आप लिख दीजिए, पूरे नंबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि जब ये सब चीजें आ गई, तो ये जो मैं राइट्स बता रहा हूं ना आपको, राइट्स, ये राइट्स कहां से आए, ये राइट्स आए थे, एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं Declaration of Rights of Men and Citizens। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होने लगा कि ये जो डिक्लेरेशन था राइट्स का, यहीं से चीज निकल के आती है कि इन लोगों ने यहां पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया फ्रांस का। तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है 1791 में। ठीक है, और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको आप यहां पर जरूर याद रखिएगा। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगली साइड में देखिए। अब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया,
और फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनने का मतलब क्या हुआ, मोनार्की थी अभी तक, मोनार्की से क्या आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, फ्रांस का क्या बना, फ्रांस का बन गया कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो मोनार्की थी वो मोनार्की क्या हो गई, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ना मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। याद करिए, अब ये आप स्लाइड देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये स्लाइड देखिए, मैंने कहा था ना, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, वो चीज मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दी। तो यहां पर क्या हुआ जरा देखिए, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी, समझिए, बना लीजिए इस डायग्राम को, तीन इंपॉर्टेंट चीजें। ए, पावर्स जो थी वो बहुत लिमिटेड कर दी गई, ऐसा नहीं था कि अब मोनार्क के पास पहले अनलिमिटेड पावर्स होती थी, अब वो पावर्स अनलिमिटेड नहीं रह गई। तो यहां पर क्या हो गया, पावर्स को लिमिट कर दिया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पहले मोनार्क के हाथ में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों एक ही साथ होता था। मोनार्क था जो पहले लॉ बनाता था, मोनार्की था जो उसको एग्जीक्यूट करता था, और मोनार्की था अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट होता है तो मोनार्की उसको सॉल्व करता था। यानी जो अभी तक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी ये तीनों एक हाथ में थी, तो अब क्या हुआ, इस कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इनको सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग लोगों के हाथ में दे दिया गया, ठीक है। इससे क्या होगा, पावर जब एक आदमी के हाथ में नहीं रहेंगी तो वो सब गलत काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। दूसरी चीज, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां पर आप देखिए फ्रांस में इनडायरेक्ट इलेक्शन की स्टार्ट हो गई, और यहां किसके लिए इलेक्शंस, कौन काहे के लिए वोटिंग होगी। भैया आपको बताया ना मैंने, कॉमन मैन ने क्या कहा था कि हम नेशनल असेंबली होंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया 1791 में। अब बात यह है कि नेशनल असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें कौन कौन होगा, तो उसमें जो लोग पहुंचेंगे उनके इलेक्शन के लिए यहां पर बात हो रही है। तो नेशनल असेंबली में आपको पता होगा कि नेशनल असेंबली, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नेशनल असेंबली में कितने लोग थे, उनके 745 मेंबर्स थे, उनका इलेक्शन कैसे होता था उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। अब जरा इसका आगे देखिए क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई तो जो लुइस 16 था, यानी जो यहां का राजा था, जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो चुका था, उसको यहां पर दिक्कत होने लगी कि भैया हमारी सारी पावर है तो ले ली, अब क्या करें, हम क्या करें, बस खाली क्या स्टैम्प मारते रहे, तो उसको लगा अब क्या करें। और जब ये चीजें आई तो बगल वाले जो देश थे फ्रांस के, मैंने आपको दिखाया था ना मैप में, फ्रांस के जो बगल वाले देश थे प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इनके मोनार्क्स को भी डर लगने लगा, क्या कि भैया जो चीज फ्रांस में हुई है कहीं वो हमारे देश में ना हो जाए, आज अगर बात फ्रांस में है और वो बात अगर फ्रांस से बाहर निकल के हमारे देश में आ गई तो हमारे देश के लोग भी यही करेंगे जो फ्रांस के लोगों ने किया। तो यहां पर लुइस 16 क्या करता है, ये अंडर टेबल, धीमे धीमे अंडर टेबल क्या करता है, ये ऑस्ट्रिया प्रशिया इन सब के राजाओं से बात करने लगता है कि भैया मदद करो, किस तरीके से हम वापस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से मोनार्की में जाएं। ये बात जो है, ये जो गुपचुप बातें हो रही हैं, ये पता चलती है लोगों को, कॉमन मैन को, कि भैया यहां पर कुछ ऐसा होने वाला है। तो कॉमन मैन भी क्या करता है, कॉमन आदमी हमला बोल देता है, कॉमन आदमी ने हमला कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ, जब ये यहां पर बात करने लगे आपस में तो इसका आउटकम क्या निकल के आया, कॉमन मैन को पता चला, और कॉमन मैन उसने क्या किया, कॉमन मैन ने यहां पर वॉर डिक्लेयर कर दिया, किस पे, ऑस्ट्रिया और प्रशिया पे। तो यहां पर ऐसा नहीं, इस लड़ाई को ऐसा नहीं देखा गया कि ये लड़ाई फ्रांस, क्योंकि लुइस 16 तो फ्रांस का था ना, कि ये लड़ाई फ्रांस और ऑस्ट्रिया प्रशिया के बीच में हो, ऐसा नहीं देखा गया, जबकि इसको ऐसा देखा गया कि ये लड़ाई किसके बीच में है, ये लड़ाई कॉमन मैन और मोनार्की के बीच में है। ये सब चीजें होने लगी, और जाहिर सी बात है जब ये सब चीजें होंगी तो क्या सामने आएगी, क्या होगा इन सब चीजों से, इन सब चीजों से सामने आएगा क्या होगा, वॉर। और जब वॉर होगी तो क्या होगा, डेफिनेट सी बात है, मैंने क्या बताया आपको, इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लड़ाइयां हो रही हैं, इकोनॉमी पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा, कि जो फूड की सप्लाईज हैं, फूड सप्लाई ये सब क्या हो जाएगी, ये सब कम हो जाएंगी। जब फूड सप्लाई एक्सेट्रा कम होगा तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी।
तो ऐसे में अब फिर एक आदमी चाहिए जो सही डायरेक्शन में लोगों को गाइड कर सके। तो यहां पर इस सिनारियों में एक आदमी की एंट्री होती है सुपरमैन की तरह, और उसका नाम होता है मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम था। ये क्या करता है, ये एक जैकोबन क्लब बनाता है। जैकोबन क्लब क्या हुआ, सिंपली एक पॉलिटिकल पार्टी हो गई, जैकोबन क्लब। और इस क्लब में कौन कौन मेंबर थे, बहुत गरीब तबके के लोग थे, जैसे कि शू मेकर्स, समझ रहे हैं आप, शू मेकर हो गया, कारपेंटर हो गया, वॉशरमैन हो गए, ये सब लोग इसके हिस्से थे। तो अभी तक देखिए अमीर लोग थे, ठीक है, लेकिन अब यहां पर जैकोबन, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने जैकोबन क्लब बनाया, और उसने कहा कि भैया ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस का 1791 में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ अमीर लोगों की बात करी गई है उनके बेनिफिट के लिए, गरीब लोगों का क्या। तो यहां पर अब मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की लीडरशिप में फ्रांस आगे बढ़ता है, और फिर यहां मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की लीडरशिप में ही सारा बवाल, ये जो लड़ाई हो रही होती है ना यहां पर, इसमें मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर सबसे बड़ा फायदा लेता है। और जब ये यहां फायदा लेता है तो क्या होता है, इस लड़ाई के में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और फाइनली अब लोग बहुत परेशान हो चुके होते हैं फ्रांस के। वो कहते हैं कि हमको अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नहीं चाहिए, और हमको मोनार्की को जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो फाइनली यहां पर क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर और उसके साथ जो और लोग भी होते हैं, ये जाते हैं, और 10 अगस्त, 10 अगस्त को ये लोग पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। यहां पर ये सारे लोग जो हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं किंग के खिलाफ, और फाइनली किंग जो है उसको यहां पर हटना पड़ता है, किंग को यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म हो जाती है। और कैसे होती है कि फाइनली आप देखेंगे तो 10 अगस्त के बाद हुआ क्या कि 21st ऑफ जून आप देख रहे हैं, मैं आपको डेट बता रहा हूं, देखिए 21st ऑफ जून 1791 के आसपास क्या होता है कि मोनार्क को अरेस्ट कर लिया जाता है, और फिर फाइनली उसको, सॉरी नॉट 21 जून, एक्चुअली दिस इज सॉरी दिस इज 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर को आप देखेंगे तो मोनार्क को यहां पर अरेस्ट कर लेते हैं, और फिर फाइनली उसको 21st ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर उसको यहां पर हैंग कर देते हैं, यानी फांसी के फंदे पे लटका देते हैं। और आप देखेंगे कुछ टाइम बाद जो है उसकी वाइफ को भी हैंग कर देते हैं। तो अब फ्रांस की गद्दी पे कौन बैठता है, वो बैठता है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। लेकिन दो बच्चों, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के टेन्योर जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और ये बिल्कुल भी एक तरीके से क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं करता है। ये कह रहा है कि अगर कोई भी आदमी मुझे मोनार्क के फेवर में बोलता हुआ दिखा तो मैं उसको काट डालूंगा, मतलब बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी आदमी अगर कह दे मोनार्की अच्छी चीज है, मैं बहुत मारूंगा उसको, बहुत ज्यादा मारूंगा। तो ये चीजें उसने बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहा। इस वजह से इसका जो 1 साल, इसका टेन्योर जो था वो 1 साल का था। ये 1 साल के लिए आपको देखेगा कि 1793 से ये 1794 तक इतना ही आपको ही देखने को मिलेगा, 1 साल। और इसके टेन्योर को इसलिए बोलते हैं रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर। कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर कोई इसके खिलाफ कुछ बोल देता था तो उसको वो तुरंत क्या करता था, ग्यूलटाइन कर देता था, ग्यूलटाइन। मैं इसकी स्पेलिंग ग्यूलटाइन, इसकी स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, क्वारंटाइन नहीं, क्वारंटाइन नहीं बच्चों, ग्यूलटाइन। ग्यूलटाइन क्या होता है, ग्यूलटाइन बता रहा हूं, देखिए आपने देखा होगा फिल्मों में, कुछ इस तरह का बना होता है, दो पिलर्स होते हैं, यहां पर एक ब्लेड लगा होता है, और कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। यहां पर आदमी को लिटालते हैं, मतलब इसका सर यहां पर रखा जाता है, और ऊपर से ये ब्लेड नीचे गिरा देते हैं, तो इसका सर जो है वो बॉडी से अलग हो जाता है, आदमी को मार दिया जाता है। तो वो तुरंत ग्यूलटाइन करा देता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। क्या सिनारियो था, आदमी अगर फेवर में बोल दे मोनार्की के, या फिर आपके फेवर में नहीं बोले तो ग्यूलटाइन करा देते थे। इस वजह से इसके टेन्योर को रेन ऑफ टेरर बोलते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पर, इन सब चीजों से लड़ते लड़ते फ्रांस क्या हुआ कि फाइनली आप देखेंगे कि जब ये सब चीजें होती हैं, जब ये सब बवाल होते हैं, तो ऐसे में एक्चुअली ये उस समय की बात है जब ये मोनार्कीज के बीच में लड़ाई चल रही थी, जब कॉमन मैन ने लड़ाई जो है हमला कर दिया था मोनार्क्स के ऊपर।
तो यहाँ पर एक तरीके से फीलिंग आने लगी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की, लोग नेशनलिज्म को समझने लग गए। समझ आप समझ रहे हो ना, लोगों के अंदर भावना आ गई कि भाई हम नेशनल, हम एक नेशन हैं। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो पैट्रियोटिक फीलिंग आती है, और पैट्रियोटिक फीलिंग आती है तो कुछ पैट्रियोटिक गाने बजते हैं, जैसे कि अपने आप 15 अगस्त को खूब पैट्रियोटिक सॉन्ग बजते हैं, आप बहुत पैट्रियोटिक फील करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर फ्रांस में क्या होता है कि जब वो लड़ाई होती है तो यहाँ पर एक गाना लिखा जाता है जिसको बोलते हैं मर्सिलेज, मर्सिलेज। और ये गाना लिखा, ये लिखा होता है रॉजर्ट आइल ने, रॉजर्ट नाम होता है उसका, ठीक है। यही सॉन्ग बाद में आप देखिए फ्रांस का, ये आज की तारीख में फ्रांस का ये नेशनल एंथम भी है, फ्रांस का ये नेशनल एंथम भी है आज, ठीक है। तो उस समय ये सॉन्ग लिखा गया था, तो ये सॉन्ग अब प्ले होने लगे, ये सॉन्ग लोगों के बीच में जाने लगे, नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी, ठीक है ना। इंडिया में जो आप देख रहे हो ना, आप जो बार बार ये पढ़ते हो, आप इंडिया में देखते हो कि ये इक्वालिटी, लिबर्टी, फैटर्निटी, ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो इंडिया में। हमने तो ले लिया यहाँ से, इंडिया में इक्वालिटी है, लेकिन ये इक्वालिटी आया कहाँ से, नेशनलिज्म आया कहाँ से? आप वो चीज़ फ्रांस में बनते हुए देख रहे हो, लोगों ने वहाँ पर अपने राइट्स कमाए हैं, वो है वहाँ पर, वहाँ का रेवोल्यूशन। लोगों ने अपने आप मेहनत किया है, सेक्रीफाइसेस दिए हैं, तब उनको पता चला कि इक्वालिटी क्या होती है, क्योंकि वहाँ लोग फेस कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन को। आपने तो इंडिया में देखा ही नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले कह दिया कि इक्वालिटी होगी, ठीक है ना, पहले कह दिया गया। वहाँ सोचिए, वहाँ पर ऐसा था ही नहीं, वहाँ लोगों ने ऐसा कुछ किया कि मोनार्क मजबूर हो गया इस चीज़ को करने के लिए। तो ये हमको बहुत बड़ा लेसन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का कहानी जब खत्म होता है तो क्या होता है, इसके टाइम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और फ्रांस में बहुत ज़्यादा हसल बसल होने लगता है। और फाइनली मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के बाद जो है प्रॉब्लम एग्रीवेट होती है। ये तो भाई देखिए क्या था, ये तो गरीब तबके का आदमी था। तो यहाँ पर आप देखेंगे नियर अबाउट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है यूरोप के अंदर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से आप देखेंगे कि एक नया क्लास सामने आता है और वो होता है मिडिलमैन का, मिडिलमैन, ठीक है। और मिडिलमैन जो यहाँ कौन होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स थे, ठीक है, जैसे कि आपको इंजीनियर्स मिलेंगे, इस तरह के लोग इसमें थे। तो ये लोग क्या करते हैं कि फिर ये लोग सामने आते हैं, जैसे कि पहले अमीर लोग हो गए थे, फिर उसके बाद एकदम गरीब लोग हो गए मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के उसमें, अब ये मिडिल क्लास के लोग। तो मिडिल क्लास के लोग कहते हैं बस बस बहुत हो गया, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं क्या करना है। इन्होंने फ्रांस का फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने कहा कि भैया क्या होगा, यहाँ पर दो लेजिस्लेटिव ऐसे काउंसिल्स होंगी, और ये दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो होंगी ये इलेक्ट करेंगी एक डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी में कौन होगा, डायरेक्टरी में होंगे 5 मेंबर्स। तो यही डायरेक्टरी जो होगी ये क्या करेगी, ये फ्रांस को यहां पर चलाएगी। मतलब दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और डायरेक्टरी। तो बेसिकली अब क्या होने लगा कि इन दोनों के बीच में बवाल शुरू हो गया। ये दोनों लगभग लगभग ऑपोजिट काम करते थे, लेकिन इस तरह का सिस्टम था तो इलेक्शन इनका होता था, ठीक है। तो ये पूरा सिनारियो था फ्रांस के अंदर। तो मतलब फ्रांस में एक तरीके से मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी खत्म हो जाती है, उनके मोनार्क को हैंग कर दिया जाता है, और फाइनली मोनार्क फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक बन जाता है। उसके बाद की कहानी मैंने आपको बताई मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की, वो आता है, उसका टेनर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है जिसको हम रेन ऑफ टेनर बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक नई क्लास सामने आती है, दैट इज मिडिलमैन, और उनकी वजह से यहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ही बन जाता है, एक और कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है फ्रांस का। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लोग कहते हैं कि दो लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी और वो एक डायरेक्टरी को चूज करेंगी, ठीक है। ये सिस्टम पूरा था, ये हमारा एक तरीके से आउटलाइन हो गया पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक आपको, ठीक है। अब मैं आपको यहीं पर रोक रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट था उसको टेकअप करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चलिए कॉपी कर लीजिए, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।